हाय गाइस, तो बात यह है कि इस वीडियो की शुरुआत मैंने कर लिया था ऑलरेडी, और प्रॉब्लम ये था कि मेरे फ़ोन में ना स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा कम है, तो दूसरा वीडियो डिलीट करने के चक्कर में ना मैंने वो स्टार्टिंग का वीडियो ही डिलीट कर दिया, तो बस ऐसे ही इस वीडियो की शुरुआत करनी पड़ी, तो देख लेना। अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है क्योंकि मम्मी का कुछ टेस्ट वगैरह था, अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट एक साथ ही था, तो मम्मी को भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था कि ब्लड टेस्ट से पहले कुछ खाना पड़ता है, और इसीलिए मैं अभी हॉस्पिटल से सामने ही है, तो मैं अभी मम्मी के लिए कुछ खाने के लिए लेके जा रही हूँ। और एक बार अभी थोड़े टाइम पहले मुझे याद आया कि आज हमारी 6th कोर्ट मैरिज एनिवर्सरी है, और वैसे भी कोर्ट मैरिज का एनिवर्सरी मुझे कभी याद ही नहीं रहता, आज पता नहीं कैसे याद हो गया। तो अभी मैंने हस्बैंड को फ़ोन करके बोला और मुझे पता चला उनको भी याद नहीं था, अगर उनको याद रहता तो वो सुबह ही मुझे विश कर देते, बट मैंने ऐसा दिखाया कि मुझे याद था और मैं देख रही थी कि तुमको याद था कि नहीं। सो अभी मैं निकल रही हूँ और मैं नहा के निकली हूँ और पसीना ऐसा छूट रहा है ना, इतने टाइम से करंट नहीं था, अभी मैं निकलने वाली हूँ, अभी करंट आया है और ऐसे किसको गुस्सा नहीं आएगा। तो अभी मैं निकल रही हूँ मम्मी के लिए खाने के लिए ले जाऊंगी। पहुंचने के बाद मैंने मम्मी को कॉल किया और पता चला मम्मी का एक्सरे चल रहा था, तो मुझे बाहर थोड़ा टाइम वेट करना पड़ा। मैं मम्मी के यहाँ पे चली आई और इतना ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने क्या किया, नॉर्मल पानी ले लिया और साथ में मैंने फ्रिज का पानी ऐसे मिक्स करके थोड़ा सा, वो जो ठंडा पानी होता है ना, वो वाला पानी पीने में मज़ा जो आता है ना, वो मज़ा मैं अभी लेने वाली हूँ। ये अलग ही मज़ा है। वहाँ से आने के बाद ना बिल्कुल टेंशन हो रहा है, मम्मी के सामने दिखा नहीं रही हूँ, बट ऐसा लग रहा है कब रिपोर्ट आएगा, एंड होपफुली नॉर्मल हो सब, और एक्सरे का कल देगा लेकिन ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड का आज ही मिल जाएगा रिपोर्ट। मतलब दिमाग में ऐसे चल रहा है, वही चल रहा है, दूसरा बात कुछ आ ही नहीं रहा है, और आज टाइम भी नहीं जा रहा है, बस 2:30 हुआ है अभी, शायद 4:30 ऐसे टाइम में जाके ले आने से हो जाएगा। आई होप सब नॉर्मल हो। तो शाम को मम्मी ने जीजू को बोला था रिपोर्ट लाने के लिए, बट जीजू के ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग की वजह से जीजू ने बोला कि लेट होगा, तो मैंने इसीलिए मेरे हस्बैंड को बोला था रिपोर्ट लाने के लिए, और उन्होंने जब फ़ोन किया तो फाइनली उन्होंने बोला कि सब नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब थोड़ा सा इशू है लेकिन माइल्ड है, बहुत ही माइल्ड, आई गेस मेडिसिन से ठीक होगा। और सुनने के बाद ये था मेरा रिएक्शन, क्योंकि रिपोर्ट सुनने के बाद मेरा मूड नॉर्मल हो गया था, तो इसीलिए एनिवर्सरी के लिए मैंने हस्बैंड के लिए एक रोज़ ले लिया। हैप्पी एनिवर्सरी। रोज़ देने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं मिला, अगर ये मुझे दिया होता ना, भर भर के मैं रिएक्शन देती। बोरिंग। तो अभी हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं और मैं कुछ कंफर्टेबली पहन रही हूँ, और फेस पे भी उतना ज़्यादा मेकअप कुछ भी नहीं लगाऊंगी, बस नॉर्मल थोड़ा सा मेकअप करूँगी, तो थोड़ा बाहर जाके डिनर करके आते हैं, तो आप लोगों से तैयार होने के बाद मिलती हूँ। रेडी होने के बाद ना मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, क्योंकि लेट हो रहा था, और वहाँ पे जाने के बाद हम दोनों को पता चला कस्टमर बहुत है तो वेट करना पड़ेगा, फिर 5 to 7 minutes वेट करने के बाद हम दोनों को बुलाया गया। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, ये कोई एनिवर्सरी डिनर नहीं है, हम लोग का ऑलरेडी प्लानिंग था ही कि हम लोग थर्सडे जाएंगे, बट थर्सडे को हस्बैंड को कुछ काम आ गया, तो हम लोगों ने ट्यूजडे प्लान कर लिया, बट याद नहीं था कि ट्यूजडे को ही एनिवर्सरी है। वैसे भी कोर्ट मैरिज एनिवर्सरी कौन सेलिब्रेट करता है, यहाँ पे आ तो गए लेकिन हम क्योंकि शाम को पकोड़ा खा के आए थे, पकोड़ा और समोसा। बोलना जरूरी था क्या? 10 रुपए के पकोड़े के पैसे बचाने के चक्कर में यहाँ पे आके कुछ खाया नहीं जा रहा है। पिछले 15-20 मिनट से बस ऐसे ही बात कर रहे हैं दोनों, कुछ भी नहीं खा रहे हैं, बस ऐसे ही खाना पड़ा हुआ है, मेन कोर्स को अभी तक टच भी नहीं किया, पता नहीं खा पाते कि नहीं। मैंने मेन कोर्स में कुछ भी नहीं लिया, बस दाल चावल, लेग पीस चिकन और साथ में सैलेड ले लिया था, और मुझे खाने का बिल्कुल ही नहीं मन कर रहा था। फिर हम 11:40 को शायद वहाँ से निकल गए, और रात को कितना खाली रहता है ना रास्ता, एकदम ही चारों तरफ शांति, और कभी कभी रात को ऐसे निकल के अच्छा ही लगता है, उतना बुरा भी नहीं लगता। सो
सो मैं पहुंच गई हूँ घर अभी, और अभी बज रहा है कितना, ऑलमोस्ट 12, और हम बस अभी पहुंचे हैं। और इतना ज्यादा गर्मी है ना आज, आज नहीं पिछले एक डेढ़ हफ्ते से बहुत ही ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। अभी मुझे फेस वॉश करना है और मैं अभी सोने जाऊंगी डायरेक्टली फेस वॉश करके। सो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।